उसमें बड़े बड़े लोगों की सीक्रेट जानकारी छाप दी जाती है। बिल गेट्स ने क्या किया, लंदन के दूतावास में वो चला गया 10 साल तक। हिम्मत नहीं है किसी का कि अंदर हाथ डाल के खींच ले। अब लंदन पुलिस हर देश विदेश में अपना एक अधिकारी रखता है जिसे हम लोग राजदूत कहते हैं, अंग्रेजी में एम्बेसडर कहते हैं। तो बताइए क्या भारत में राजदूत विदेशों के भी होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल भरे पड़े हैं सब राजदूत, और ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। पाकिस्तान का भारत में होगा? पक्का होगा। चलिए देखिए, पाकिस्तान का आदमी कहां होगा? भारत में। ये भारत में आया होगा, क्या बन गए? राजदूत। अब इस राजदूत का इतना पावर है कि जिस बिल्डिंग में रहेगा ना, जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में भारत की पुलिस अंदर नहीं जा सकती है, कुछ भी नहीं कर सकते उसको। वो अपना देश है, उसके अंदर उसी का रूल लगेगा। हमारी पुलिस बाहर ही खड़ी रह सकती है, अंदर नहीं। ना मिलिट्री जा सकती है, ना पुलिस जा सकती है, ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई क्राइम करके घुस गया पाकिस्तान के दूतावास में, हमारी पुलिस जाके पकड़ नहीं सकती उसको। रिक्वेस्ट लेटर भेजेगी पाकिस्तान दूतावास को कि एक अपराधी है, ये कांड किया है, आप इसे वापस भेज दीजिए। तो कहेगा नहीं भेजेंगे, तो चुपचाप रह सकते, कोई बात नहीं। माय एक्सीलेंसी इट्स योर पावर, एक्सीलेंसी बोला जाता है उन सबको। मतलब आप आदमी नहीं, गुड नहीं, वेरी गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट, एक्सीलेंट, माय एक्सीलेंसी भेजेंगे क्या? मतलब तोरा से अच्छा कोई आदमी है नहीं, एक्सीलेंट से ऊपर कुछ होता है जी। हाँ, सुपर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के ऊपर नहीं होता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। अब एक ऐसी घटना आपको बताते हैं, हालांकि उसको मार दिया गया, किसी ने गोली मार दिया था, लेकिन 10-12 साल लग गया था उसको गोली मारने में। अर्जेंटीना एक देश है, ये रहा अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना था या चिली था, इसका दूतावास इंग्लैंड में भी है, लंदन में है, इसका दूतावास था लंदन में। एक वेबसाइट है विकीलीक्स, जैसे विकिपीडिया है ना, वैसे एक वेबसाइट है विकीलीक्स, उसमें बड़े बड़े लोगों की गुप्त जानकारी, सीक्रेट जानकारी उसी पे छाप दी जाती है। बिल गेट्स ने क्या किया, ये आदमी ने क्या किया, दुनिया भर का सीक्रेट। अब जैसे आप लोग का सीक्रेट छाप के करेगा कौन, पढ़वे नहीं करेगा कौन, आप ही का कोई सीक्रेट छाप दिया, जैसे बाबू का सीक्रेट बता दिया, तो बबुआ कौन पूछेगा, लेकिन वही अमिताभ बच्चन का कोई सीक्रेट छाप दिया पड़ेगा। तो विकीलीक्स जो था वो ऐसे ऐसे खबर छापता था। अब विकीलीक्स के ऊपर कई आरोप लगा दिए गए, विकीलीक्स के ऊपर क्या लगा दिए गए, आरोप लगा दिए गए कि भाई इसके ऊपर कई तरह का आरोप था। और जाके विकीलीक्स के जो संस्थापक था जूलियन असांजे, क्या नाम था, तो वो अर्जेंटीना की इक्वाडोर, अब हमको इतना एग्जैक्ट ध्यान है, इक्वाडोर था शायद, इक्वाडोर का दूतावास कहाँ था, लंदन में, उस लंदन के दूतावास में वो चला गया, समझ में गया। अब लंदन पुलिस उसको 10 साल तक रिक्वेस्ट भेजती रहेगी, हम आप बाहर आइए अरेस्ट करना है। वो बालकनी में आता था, अब मीडिया वाले माइक थमाते थे और पूरी बातें बोलता था, चले 10 साल तक उसकी पुलिस अंदर नहीं जा पाई, बचाइए। और सारी चीजें होती थी, बालकनी में टालता था, फोन करता था मीडिया वाले, कहा मैं बाहर नहीं आ सकता यहाँ पर, आज हिम्मत नहीं है किसी का कि अंदर हाथ डाल के खींच ले यहाँ पर। बस पब्लिक में किसी को कुछ पैसा दिया, एक आया गोली मार के चल दिया, वहीं मारो दिए सब यहाँ पर, तो ये हो सकता है, समझ में आए कि नहीं क्या। अब जैसे पाकिस्तान का दूतावास भारत में है कि नहीं है, अगर ये कुछ गड़बड़ी करेगा पब्लिक घुस जाएगी, अब पब्लिक घुस गई, अब मार दी, अब पब्लिक क्या की क्या नहीं, इसकी जांच इंडियन पुलिस कर सकती है, पाकिस्तानी पुलिस नहीं कर सकती है, और भारत की पुलिस इसको बस अगर ऊपर से आदेश आ गया, देखिए पुलिस बहुत ईमानदारी से काम करती है, लेकिन अगर ऊपर से आदेश आ जाएगा तो उसको जिधर घुमाना है वो घुमा देगा, क्योंकि उसको क्या जाता है भाई, उसका सीनियर बोल रहा है ऐसे करो नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, नहीं करेगा तो उठा के भेज देगा फायर ब्रिगेड में, दरोगा नहीं करेगा ना तो दरोगा को उठा के कह देगा कि तुम एक काम करो ट्रैफिक के दरोगा हो जाओ, ट्रैफिक के। अब वो दरोगा थाना दरोगा छोड़ के अब सफेद कपड़ा पहनेगा, और ट्रैफिक दरोगा बैठा के गांधी सेतु पे लगा देगा, बालू फांकते रहो धूप में,
न वहां बैठने का जगह है, न खड़ा होने का जगह है, दिन भर धुआं, गाड़ी वाला को धकेल देगा कोनो में जाए यहाँ पे नीचे, यहाँ किसी को दिक्कत।